नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूफेस 302 का इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं और इस डिवाइस में फेस फिंगर किस तरह रजिस्टर करना होता है और इस डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करके हम किस तरह डेटा जो है सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डिवाइस में फेस हम किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मेनू का ऑप्शन दिया गया है, हम इस मेनू ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पहले ऑप्शन देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट का, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। न्यू यूज़र पर हमें क्लिक करना है। यूज़र आईडी बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ले लेगा, अगर आपको चेंज करना है तो हम यूज़र आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी हमें आईडी डालना है वो आप आईडी यहाँ पर टाइप करके ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप यूज़र का नेम भी एंटर कर सकते हैं, ओके। फिर हम आ जाएंगे फिंगरप्रिंट में, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमें एक फिंगर 3 बार रखना है, 1 2 3। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट 1 दिखा रहा है, तो हमारा एक फिंगर यहाँ पर रजिस्टर हो गया है। अब अगर हमें दूसरा भी फिंगर रजिस्टर करना है तो हम वापस इस पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर दूसरा फिंगर हम 3 बार रखेंगे। तो यहाँ पर नंबर जो है 2 दिखा रहा है, तो मतलब हमारे 2 फिंगर यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर फेस रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए हम फेस पर क्लिक करेंगे और जो ग्रीन बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन बॉक्स में हमारी आँखें आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप और डाउन एरो दिया गया, हम उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और थोड़ा नीचे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर बैज नंबर, मतलब यहाँ पर अगर आपको कार्ड रजिस्टर करना है तो बैज नंबर पर हम ओके करेंगे और यहाँ पर आपको कार्ड शो कर देना है। सेम वे पासवर्ड है, पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, अगर हमें पासवर्ड भी रखना है तो हम पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फेस फिंगर और पासवर्ड 3 रजिस्टर कर दिए हैं। अब हम बैक करके बाहर आ जाएंगे। ये हमारा फेस से आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये फिंगर से हो गया। अब अगर मैं पासवर्ड से अटेंडेंस लगाना है तो यहाँ पर हम कीबोर्ड को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपका यूज़र आईडी, जो मेरा यूज़र आईडी था 101, ओके। अब यहाँ पर हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे की पे और हमारा पासवर्ड पंच करके ओके कर देंगे। तो आइए आप देखते हैं डिवाइस को नेटवर्क में किस तरह कनेक्ट करना है। जैसा आप यहाँ पर बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क के लिए पोर्ट दिया गया है, लाइन पोर्ट दिया गया है, तो आपको नेटवर्क वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर नेटवर्क वायर कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो नेटवर्क का जो सिंबल दिया गया है, जहाँ पर रेड क्रॉस दिखा रहा है, ये रेड क्रॉस चला जाना चाहिए, मतलब आपका जो नेटवर्क का केबल है वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर नेटवर्क केबल कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा जो नेटवर्क में जो सिंबल है उसमें रेड क्रॉस मार्क चला गया है। अब हम आ जाएंगे मेनू ऑप्शन में, यहाँ पर हमें आना है कम्युनिकेशन में। यहाँ पर ईथरनेट का जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम DHCP को ऑफ़ कर देंगे और IP एड्रेस जो है यहाँ पर हम मैन्युअली एंटर कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारा IP है वो IP हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 192.168.0.201 ये IP मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, इसे ओके कर दूँगा। यहाँ पर सेम में सबनेट मास्क भी आपको एंटर कर लेना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, और यहाँ पर हम बैक कर लेंगे। तो आइए आप दोस्तों देखते हैं हम सॉफ्टवेयर में किस तरह रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम वेबसाइट ओपन कर लेंगे, www.smartofficepayroll.com। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट ऑफिस डेस्कटॉप जो है उसे हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, अब इसे हम ओपन कर लेंगे। तो शो इन फोल्डर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप फाइल आया है, तो यहाँ पर इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर, तो यहाँ पर ये फोल्डर आ चुका है रिलीज करके, इसे हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर स्मार्ट ऑफिस सूट का एक सेटअप फाइल है, उसे हम राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट कर देना है, एवरीवन पे यहाँ पर आपको चेक रखना है और नेक्स्ट कर देना है, वापस नेक्स्ट कर देना है, इस पर यस क्लिक कर लीजिए।
यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर देंगे। इसका शॉर्टकट हमें डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट ऑफिस का शॉर्टकट आया है, अब इसे भी हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन करने से पहले हम डेटाबेस सेटिंग कर लेंगे, तो डेटाबेस सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फाइल पाथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर ब्राउज करेंगे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल 86। यहाँ पर स्मार्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देगा आपको, इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर इस फोल्डर को भी ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर एक स्मार्ट ऑफिस की फाइल होगी MDB फाइल, जो आप देख रहे हैं स्मार्ट ऑफिस की, इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। टेस्ट कनेक्शन, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, ओके, सेव कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन नेम है स्मार्ट और पासवर्ड भी स्मार्ट। लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो सिलेक्ट बायोमेट्रिक्स डिवाइस टाइप है, यहाँ पर आपको के सीरीज ही सिलेक्ट करना है। फिर आ जाएंगे यूटिलिटीज में, डिवाइसेस में, यहाँ पर एक डिवाइस हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पर नीचे देखिए ऐड न्यू करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर डिवाइस नेम तो UFACE 302, शॉर्ट नेम भी वही डाल देंगे, और यहाँ पर जो डिवाइस का सीरियल नंबर है आप डाल दीजिए। यहाँ पर आईपी एड्रेस में जो हमने डिवाइस में आईपी जो सेट किया था 192.168.0.201, वो आईपी आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर हम टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे, डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ओके, अब इस डिवाइस को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डाउनलोड लॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद आपको आना है मास्टर में, एम्प्लॉयज में, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज जो आपके मशीन में रजिस्टर है यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो जिस एम्प्लॉय का आपको नाम यहाँ पर डालना है वहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में आप उनका नेम डाल दीजिए और यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। फिर यहाँ वापस आप मास्टर में आ जाइए, शिफ्ट आपको क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर एक जनरल शिफ्ट दी गई है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। जो भी आपके ऑफिस की टाइमिंग है वहाँ पर आप बिगिन टाइम और एंड टाइम डाल दीजिए। यहाँ पर पंच बिगिन बिफोर, मतलब अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 से पहले भी अगर कोई एम्प्लॉय आते हैं तो यहाँ पर आप वो टाइमिंग डाल दीजिए कि कितने पहले आते हैं। अगर 1 घंटे पहले आते हैं तो यहाँ पर आप 60 मिनट डाल दीजिए। पंच एंड आफ्टर, 6:30 के बाद अगर कोई काम करता है तो आप यहाँ पर टाइम डाल दीजिए कि कितना काम एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे OT वगैरह होती है, अगर आपके यहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो यहाँ पर आप उसको मिनट्स में डाल दीजिए। जैसे अगर 6:30 के बाद कोई 4 घंटा रुकता है तो यहाँ पर हम डाल देंगे 240 मिनट्स। ग्रेस टाइम जो है आपका लेट मार्क के लिए है, जैसे 9 बजे के बाद कितना देर तक आना अलाउड है उसके बाद वो लेट मार्क काउंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप 10 मिनट डालते हैं तो 9:10 तक जो है वो नॉर्मल दिखा देगा, लेकिन 9:11 को अगर कोई पंच करता है तो उसे लेट मार्क वहाँ पर शो कर देगा। फिर से अपडेट कर दीजिए। ओके, इसी तरह आप और भी शिफ्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको 7 डेज का ट्रायल पीरियड आता है, और उस 7 डेज के अंदर आपको यहाँ पर अबाउट स्मार्ट ऑफिस में जाना है और यहाँ पर एडिट लाइसेंस की में यहाँ पर आपको लाइसेंस की डाल देना है। तो ये लाइसेंस की जहाँ से आपने परचेज किया है डिवाइस वहाँ से आपको लाइसेंस की अवेलेबल हो जाएगी, तो लाइसेंस की डाल के आप सेव कर दीजिए। और सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, अगर आपको डिटेल में सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक में जा सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे आने वाली ऐसी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।